कंडीशन काफी खराब थी, काफी हवा थी, मौसम भी खराब था, इसके बावजूद भी नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच लिया। क्या खूब कहा है किसी ने, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने। 19 साल बाद भारत के खाते में आया सिल्वर मेडल, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर देखी जा रही है। उन्हें देश और दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं। उनकी इस सफलता पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक नीरज को एक और बड़ी अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस समय क्या माहौल है इस देश में, क्या खुशी की लहर। टोक्यो ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का जलवा एक बार फिर से देखने को मिला। दरअसल नीरज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है और इतिहास रच दिया है। 19 साल बाद भारत के खाते में मेडल आया, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर देखी जा रही है। To try and get himself in a podium position. He knew that was good as soon as he released it. Vadlic is in the silver medal position with 88.09. Not anymore, 88.13. ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.